गुड मॉर्निंग, फाइनली मेरा गोप्रो बन गया। आज मैं गोप्रो से रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज हमारा थर्ड डे है यहाँ पे येलोस्टोन में। आज का फाइनल रहेगा, इसके बाद आप लोगों को बोरियत नहीं होगी। अब सीन हम ये नहीं बताएंगे ये कितना ब्यूटीफुल है, वो कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि सारा ब्यूटीफुल है। चलो अब आज का व्लॉग हमने शुरू कर दिया है। कितने बज रहे हैं? 10:26 को मैंने स्टार्ट किया है। देखो आज हम तीसरे होटल में जाएंगे, और यहाँ के होटल की खास बात ये चल रही है, ना टीवी है, ना फ़ोन है, ना और तो बाकी टूर तो कराया ही है, देखेंगे उसमें, ना इंटरनेट है आपका, जो फ़ोन भी प्रॉपर नहीं चल पाता है, सिग्नल नहीं मिल पाता है। एकदम प्रॉपर माउंटेन लाइफ यहाँ पे एंजॉय करते, कोई आप जो नॉर्मल की लाइफ में हम लोग पूरे टाइम फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, कंप्यूटर पे बिज़ी रहते हैं, ये सब यहाँ पे नहीं है। पूरी तरह से नेचर में अपना लीन हो जाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चलो हम कहाँ जा रहे हैं वो दिखा रहे हैं, ठीक है? ये देखो तो कुआं लग रहा है, ये देखो। देखो आज बैर देखने को मिलता है कि नहीं, आज बैर देखने के लिए फिर निकले हुए हैं। चलो भी चढ़ रहे हैं हम लोग, ऊपर जा रहे हैं। ट्रेल क्लोज्ड है, यहाँ का ट्रेल क्लोज्ड है। ये है ट्रेल, क्यों क्लोज्ड है दोनों? ये भी देखो, नीचे वाटरफॉल है क्या? रिवर है नीचे। ओह हाँ, ओके। अच्छा, इसकी वजह से येलोस्टोन इसका नाम पड़ा है, क्योंकि येलोस्टोन रिवर है। वहाँ पे भी थोड़ा सा दिख रहा है रिवर। ओके चलो, अभी आगे जाना है ना। हाँ जी, इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी ये भी दिखा दे रही हूँ, पॉज करके रीड कर लेना। ये देखो, पूरा व्यू 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 व्यू। जब से यहाँ पे आए हैं ना, तब से यही सोच रहे हैं कि बॉलीवुड वाले यहाँ पे शूटिंग के लिए क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि जो जो सीन चाहिए ऐसे ऐसे सीन मिलेंगे यहाँ पे ना, अनबिलीवेबल सीन मिलेंगे, सीरियसली। चलो ऊपर चलते हैं। ये है येलोस्टोन वाटरफॉल। माय गॉड, इसको तो देख के डर लग रहा है एकदम से। हम बहुत दूर हैं, लेकिन आवाज़ हमें एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है। ओह गॉड, हम चल रहे हैं अभी येलोस्टोन रिवर देखने, वहाँ पे वो फॉल देखने हम लोग पास में चल रहे हैं। चलो लेके चलते हैं, देख के बहुत डर लग रहा है यार, बहुत डर लग रहा है पास से, सीरियसली। अभी वो अनुभव कराते हैं, आवाज़ तो सुन ही सकते हो इसमें, क्योंकि मैं कोई सॉन्ग वॉन्ग डालने वाली नहीं हूँ, कोई सब एकदम रॉ वीडियो रहेगा हमारा सब कुछ। वो रिवर की आवाज़ सुनाई दे रही है, पानी की बहाव की आवाज़। ये देखो यहाँ पे अभी उस झरने के पास हम चल रहे हैं। गौर, डरावना है, डरावना। अब एकदम स्ट्रेट से दिखा रही हूँ, एकदम फॉल, एकदम स्ट्रेट। ये देखो अभी इसी ट्रेल, जो ट्रेल दिख रहा है ना, इसी ट्रेल में हम लोग जाएंगे वॉक करके एकदम पास में। हमें बेर दिखा है, चल रहे हैं हम बेर देखने। दिखा है कहाँ गया भाई? दिखा तो गया कहाँ?
गायब हो गई। हम लोग बैठे हैं देखने के लिए, कहाँ है भाई? अरे भाई सब लोग कैसे देख रहे हैं, देखो देखो सब बैर देखने के लिए उल्टा पाठ नीचे हुई है, और अभी तक हमें नहीं दिख रहा, सबको दिख गया मुझे नहीं दिख रहा है। दो नो ये पीछे देखो सब बेर देखने के लिए खड़े हैं, हम भी खड़े हैं लाइन में, पहले ही पहला नंबर मेरा है। मैंने बहुत कोशिश की बेर दिखाने के लिए, लेकिन दिमाग में ये नहीं आया कि गोप्रो मेरे हाथ में है, फ़ोन ले लूँ थोड़ा जूम करके दिखाऊँ। गोप्रो में जूम करने का कोई सिस्टम है नहीं, तो तब दिमाग नहीं काम आया। बेर दिख रहा है लेकिन आप लोगों को नहीं दिख पाएगा, वो बहुत ध्यान से अगर मैं देखोगे तो ही दिख पाएगा, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। सॉरी एकदम क्लियरली नहीं दिखा पाए, बेर दिख रहा है, हम मैंने देखा है, मुझे वो जगह पॉइंट पता चल रहा है बेर कहाँ है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सॉरी नहीं दिखा पाए बेर। हम लोग फॉल के पास पहुँच गए हैं, ये देखो आ रहे थे यहाँ से, यहाँ पे आ रहे थे ना, बीच में वो बेर मिल गया, फिर वहाँ पे आधा पौना घंटा लग गया उसको देखने में। अब हम लोग पहुँचे हैं, पहुँच गए एकदम पास में, ये देखो एकदम पास में पहुँचे हैं, दिखा रही हूँ अभी। यहाँ पे देख रहे हो ना स्कूटर में, जो लोग चल नहीं पाते या शारीरिक प्रॉब्लम जिनको होता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है कि भैया अब हमें ये प्रॉब्लम हो गया लाइफ ख़त्म, अब हम कहीं जा नहीं सकते घूम नहीं सकते, नहीं घूमना है, एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता शुरू होता है ना, तो ऐसे हम नहीं चल पाएंगे तो क्या हुआ, स्कूटर है ना उस पर घूमेंगे। देखा ना आप लोगों ने, हम लोगों को हर जगह लोगों के लिए व्यवस्था होता है, हर जगह लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लाइफ ऐसे ही जीते हैं यहाँ के लोग, एकदम पूरी अच्छे से इंजॉय करते हैं, कुछ भी चीज़ अपना बीमारी लेके बैठते नहीं है कि बस लाइफ ख़त्म ही हो गया, नहीं, यही सब देख के ना एनर्जी आती है बॉडी में, थोड़ा बहुत कुछ हुआ रहता है ना हमें भी, इन लोगों को देखने के बाद, इन लोगों की एनर्जी देखने के बाद हम भी एकदम ठीक हो जाते हैं, हमारा भी जो है वीकनेस जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है कि भैया नहीं लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। चलो ये देखो एकदम आगे पास में, ये बहाव देखो, इतने दूर से देखा था ना, अब ये नज़दीक से देखो एकदम पास से, जो येलो स्टोन रिवर दिखा रहे हैं तो रेसिंग करने से पहले, यह है उसका बहाव जो डर लग रहा है, सच में डर लग रहा है, आवाज़ सुन के डर लग रहा है, मालूम है
रहे हैं उनसे। यहाँ से देखो पानी, ऐसे ही जंप मारेगा। देख रहा है। देख रहा है। He looked at that like। नहीं, उसको रोड क्रॉस करना है। अब पूरा बाइसन ही बाइसन दिख रहा है। अब दूसरी जगह रुके हुए हैं। यहाँ पर आए हैं मड वोल्केनो देखने। वहाँ पे देखो धुआं निकल रहा है। चल रहे हैं वहीं पे भी वॉक करके। यहाँ पे भी नीचे भी पानी बॉइल हो रहा है, पर ये वही है। ओके, यार इतना देखा ना, पानी टच करने को नहीं मिला। ये पूरा मडी है, पूरा मड है, डर्टी है वाटर। अभी तक क्लीन देखा था हम लोगों ने, ये है डर्टी एकदम। ये बोट वॉक बना हुआ है, बोट वॉक पे चलेंगे हम लोग। थोड़ा यहाँ का टेम्परेचर बड़ा अजीबोगरीब है यार। धूप में हो तो गर्मी लग रही है, शेड में हो तो ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है। और चलो लेट्स गो, विच वे? अच्छा यहाँ पे बाइसन ज़्यादा है। कहाँ? ये देखो मड वोल्केनो, ये देखो पानी बॉइल हो रहा है और ग्रास जो है ग्रीन है। क्या कुदरती चीज़ है, विडंबना है, क्या है? घास कैसे ग्रीन है जब यहाँ पे गर्म है, एकदम बॉइल हो रहा है वाटर? कैसे हो सकता है यार, कैसे? दिमाग चकरा जा रहा है एकदम से। ये देखो मड वोल्केनो, पूरा इंस्ट्रक्शन मैप दिया रहता है, कहीं आप गुम नहीं होंगे, जगह जगह पे मैप दिया है क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे सब दिया गया है। चलो चलते हैं। ओ बेयर भी यहाँ पे मिलेगा, बेयर का भी साइन दिया है। अच्छा पेट यहाँ पे अलाउ नहीं है। व्हाट हैपेंड? उसको निकाल के रखी दो। ये देखो पूरा बॉइल हो रहा है वाटर। ओह गॉड, एक ही तमन्ना रह गई, राइस डालने की। नहीं नहीं, राइस पकाने की नहीं, टच करने का। वाटर नहीं टच कर पाए यार, जरा ही थोड़ा सा टच करते यार, नहीं हो पाया। पूरा पानी बॉइल हो रहा है, भगवान क्या करिश्मा है यार। दुनिया में चले जाओ घूमने तो बहुत ही ऐसे ऐसे कुदरती चीज़ देखने को मिलेंगे जिस पे विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है, पर जब आँख से देख रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। अंदर पूरा आग लगा हुआ है, देखो ड्रैगन्स माउथ। अच्छा इसका नाम है ड्रैगन्स माउथ, स्प्रिंग नाम है इसका। आवाज़ सुनो, इस चिमनी में से धुआं नहीं निकलता है। सोचो कितना पानी बॉइल हो रहा है अंदर, और डर लग रहा है मालूम है, एकदम जैसे इंडिया में गटर होते हैं वैसे गटर लग रहा है। देखो एकदम गटर के पानी जैसा लग रहा है ना। मैं थोड़ा अपने साथ भी ले लो। इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए, पूरा वीडियो पॉज करके रीड कर लेना।
थोड़ा एक स्टेप और ऊपर चलते हैं, एकदम स्ट्रेट से देखते हैं एकदम। ये देखो पानी एकदम देखो ज़्यादा है। सब बॉइल वाटर है, पानी बॉइल हो रहा है। इसी वालकनों में फूल भी खिले हुए हैं, घास भी खिले खिले हरे हरे हैं। क्या बताएं, ये देखो येलो येलो फ्लावर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि सरसों की खेती हुई है इसी में। और पूरा पानी बॉइल हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, पागल हो रही हूँ। एक तो ये सोच के पागल हो रही हूँ कि क्या सीन है, दूसरा ये कि पानी टच करने को क्यों नहीं मिल रहा है। मैं वही अटकी पड़ी हुई हूँ, पानी क्यों नहीं टच, कहीं नहीं टच कर पाई हूँ पता है। एक बार टच करने की कोशिश करी, जैसे करंट जैसा लगा बिजली का। ये देखो ये मड बॉल के ही ये जहाँ जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है ना, सब मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। यहाँ पे खड़े होकर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, घर पे हम भी पॉज करके पढ़ेंगे इसी वीडियो को मैं आप लोगों के साथ ही। ये देखो चल, जाने का मन नहीं कर रहा है। और इतना आश्चर्य हो रहा है ना कि मेरा दिमाग एकदम चौड़ा हो गया है। बोलते हैं ना दिमाग काम नहीं करना, ये यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है पता है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। ये देखो पूरा का पूरा तालाब जो है पूरा बॉइल हो रहा है पूरा। ओह गॉड, क्या बनाया है आपने। बोलते हैं ना दुनिया बनाने वाली, क्या तेरे मन में समाई, कैसी ये दुनिया बनाई। हम लोग अपने होटल में आ गए हैं, केबिन है जिसका नाम है येलो स्टोन लेक होटल। ओके, ये नाम लेक होटल ना, येलो स्टोन लेक होटल इसका नाम है। और पिछला वाला कौन सा था, उसका नाम ही मेंशन करना बोल रही थी, कैनियन लॉज। ये देखो, ए देखो बाइसन यहाँ है मम्मा। नो, किल मी, आई डोंट वांट टू स्लीप इन प्लेस विद अ बैड नो। ये देखो एकदम साइड में खड़े, हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता दे दो बाइसन जी। बल्लू मत जाना, नहीं जा रहा है ना वो, आगे मत जाना, नहीं तो आके ना That bison's spotting you. ये देखो ऐसे ऐसे तो बाइसन दिख रहे हैं रोड पे यार। ये देखो ये देखो रास्ता दिया जाने के लिए हम लोगों को। अच्छा मेल है बल्लू। पानी पी रहा है नीचे। बड़ा सा लेक जो दिखा ना, यहीं पे आ गए, थोड़ा सा रुक गए, थोड़ी दूर पे ही बाइसन है वो देखते हैं, वहाँ पे बाइसन है। और ये है लेक, ब्यूटीफुल लेक। हाँ अपने साथ भी ले ले लेक का, बढ़िया ब्यूटीफुल।
होटल काफ़ी बड़ा है, बट हमारा जो है जैसे पिछला वाला नहीं था होटल, कुछ सिमिलर सा ही है, कैबिन है। हमारे होटल के आजू बाजू में ही ये लोग हैं, ये देखो यहाँ से नहीं हट रहे, इन लोगों का गैंग है रोड पे। इनकी दुनिया है, सचमुच इन्हीं की दुनिया है। हम लोग इसमें इन लोगों को इंटरफेयर करने के लिए आए हैं। वेरी बैड, ये लोग ही सोच रहे होंगे यार जीने दो। ये सब के दिन है हमारा, क्लिनिक है ओके, अच्छा लेक क्लिनिक। अच्छा कुछ भी इमरजेंसी हो ना यहाँ पे सुविधा है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, सुविधा है, दवा वगैरह ले सकते हो। चेक इन करने गए थे मेरे हस्बैंड, अभी रूम रेडी नहीं है। होटल कितना बड़ा है। अच्छा वो आरवी वाले भी होटल में आके रुक रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है यार। ये देखो दो दो आरवी खड़ा है यहाँ पे भी। नहीं आरवी वाले भी कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खुल के नहाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छे से फ्रेश होना होता होगा, रगड़ के नहाना होता होगा, उसके लिए होटल में आना ही पड़ता है। मतलब आरवी वाले भी होटल में आते हैं, जरूरी नहीं है उनको आना हो तो। हाँ वही जरूरी है। चलो हम लोग अब होटल तो खाली नहीं है, हम तो सोच रहे थे कि अगर मैं खाली होगा तो चेक इन कर लेंगे, नहीं है, सामान रख देते तो थोड़ा गाड़ी में जगह हो जाती, गाड़ी भरी पड़ी है। ठीक है 3 o'clock को फिर जाएंगे, चार बजे बोला है ना, 3 बजे फिर जाके ट्राई करते हैं। ट्रैश कैन कितना सुंदर है, मेटल का अलग, ग्लास, प्लास्टिक, पेपर, ट्रैश सबका अलग अलग दिया है। अंदर अंधेरा है, जहाँ पे होटल में ही है खाना खाने की व्यवस्था। थोड़ा सा दिखा देते हैं व्यू, क्योंकि अब इसमें आएंगे तो है नहीं, शायद ब्रेकफास्ट के लिए आ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से बढ़िया व्यू दिख रहा है, ये देखो उधर, देखते हैं क्या है हमारे लिए। थोड़ा वेजिटेरियन के लिए टफ हो जाता है हर जगह, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है टफ, लेकिन कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं तो सलाद, सलाद जिंदाबाद है, जिसको सलाद नहीं पसंद है उसकी तो लगने वाली है बराबर से। ये है गिफ्ट शॉप, नदी की जगह गिफ्ट शॉप्स है, इसी से गिफ्ट शॉप। सुवेनियर वगैरह लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। एक खासियत है, कुछ हो ना हो बार हर जगह मिलेगा, पीने की कमी नहीं है, खाने की भली हो जाए लेकिन पीना हर जगह मिलेगा आपको। थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। अच्छा है यार होटल, अच्छा है, बढ़िया है। डार्क आ रहा है, बंद कर दे रही हूँ क्योंकि लाइट ही ऐसी है, देखो। अच्छा डाइनिंग का ये, डाइनिंग की व्यवस्था की गई है, छोटा सा है, देखते हैं हम कितना लकी हैं, क्या मिलता है लंच में। फाइनली मैंने डिसाइड किया मैं नहीं लूँगी, दो ही ऑप्शन है वेजिटेरियन में, जो कि मैं खा खा के बोर हो गई हूँ, नहीं पसंद है, अब मैं सलाद खाऊँगी, जो कि मेरे पास है सलाद कूलर में कर रखा है, वो मैं बाद में खा लूँगी। चलो वीडियो अभी यहीं समाप्त कर रही हूँ, नहीं समाप्त नहीं कर रही हूँ, चालू रही हूँ। समंदर के किनारे, समंदर भी है, लेक के किनारे आ गए हैं लंच करने, बच्चों ने वहाँ पर खा दिया था, हमने हमारा जो सेपरेट अलग अलग ये सलाद का पैकेट ले लिया था, मिक्स करके हम होटल में से ही लेके आए थे, घर पे प्रिपेयर करके, मतलब यहाँ पे देखो सब कुछ इसमें डाला हुआ है। ये एक बाहर से ऐसे ले लिया था चीज़ सैंडविच,
ये मेरे हस्बैंड का होगा और ये हमारा होगा. ओपन इट. सब इसमें सॉल्ट पेपर और बहुत और क्या ऑलिव ऑयल और बहुत वैरायटी की पत्ती है. ये सब है. ये हमारा लंच होगा. क्योंकि मुझे सलाड बहुत पसंद है तो सलाड से मेरा काम चल जाता है. और यहीं पर बैठ के हम लंच करेंगे. अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, मतलब केबिन में चेक इन करने. चेक इन करने के लिए 4 बजे का टाइम दिया था. ट्रांसपोर्ट जो ना भगवान की दया से 3 बजे मिल गया. ये है केबिन का गांव. गांव जैसा ही लग रहा ना, विलेज छोटा सा. ये देखो इन्हीं में से एक हमारा होगा. रूम नंबर कौन सा है भाई? 626 513 या 515 17. ये 26. ये है हमारा केबिन. अभी अंदर भी लेके चल रहे. छोटा सा घर है, मिनी हाउस. ये है मिनी हाउस. चलो चलते हैं. ये देखो छोटा सा बाहर 2 चेयर रखा हुआ है. आगे से भी व्यू दिखा दे. घास है, इतना छोटा सा है ये. देखते हैं अदर साइड. ये देखो. और यहाँ पे ना सामान इधर जैसे टॉवल वगैरह मूव करने के लिए इस तरह का है, जिसमें ये लोग कार्यकर्ता लोग इधर उधर सप्लाई मूव करते हैं क्लीनिंग वगैरह का. चाबी रूम खुल गया है. ये देखो एंट्री मार लिया हमने. जय शंकर भगवान. ये रहा बेड. 2-3 साइज़ के बेड हैं. यहाँ पे विंडो है. लाइट ऑन कर दे, थोड़ा लाइट हो जाए. और कहाँ है भाई? ये देख पहले ऐसे लुक दिखकर. टेबल लैम्प. अच्छी बात यहाँ पे है, येलो स्टोन के अंदर अगर मैं होटल बुक कर रहे हो आप, तो आपको टीवी वगैरह वाईफाई वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है. एसी वगैरह कुछ नहीं. फ़ैन है अगर बहुत जिसको ज़्यादा गर्मी लगे वो टेबल फ़ैन लगा ले. और ये वार्डरोब है भाई, क्लोज़ेट जिसको समझ लो, कचरे का ये है. और लाइट का स्विच है, कहाँ है वो दिख रहा है. चलो ये वही टेबल है. एंड हीटर का सिस्टम है पर एसी करें क्योंकि ठंडी यहाँ पे ज़्यादा होती है. ये हो गया. ये 2 विंडो हो गए इधर इस साइड. ये चाय कॉफ़ी पानी आइस वगैरह के लिए. ये है ये छोटा सा. अगर मैं गर्मी लगी ना तो विंडो ओपन कर दो. पीछे जाली लगी हुई है तो विंडो ओपन करके सो सकते हो. ये चेयर वगैरह है, छोटा सा टेबल. क्या है यहाँ पे? ओह माय गॉड. यहाँ से एंट्री मारेंगे. फिर यहाँ पे 2 विंडो इस तरह के हैं. एंड ये है सिंक वगैरह. ये अच्छा लग रहा है. और ये है हमारा बाथरूम. लाइट ऑन कर दे. ये है हमारा टॉयलेट. ये है शॉवर एरिया. बस यही है. और ये हूँ मैं. वहाँ पे साइड में वो डोर किस तरह, किस चीज़ का है वो? क्या पर ओपन कैसे होगा? और ये डोर जो है ये अनलॉक नहीं हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वाटर हीटर का होगा. और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो अब कल से फिर शुरू होगा. ये जो है वीडियो, ये येलो स्टोन का लास्ट वीडियो है. अब येलो स्टोन तो बहुत देख लिया आप लोगों ने. बाहर का ये दिखा लूँ विंडो से. पीछे का ये है.